तो दोस्तों मॉडर्न महाराजा जिंदर महल कौन सी कंपनी के अंदर अपना रिटर्न करने वाले हैं ये रिवील हो चुका है, और साथ ही साथ क्या यूएससी के फाइटर अब डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आके फाइट कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरजे और आप देख रहे हो आरजे रेसलिंग फैंस। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी फर्स्ट कॉइन ऑफ द रिंग ज़ेलिना वेगा के बारे में, जो कि फिलहाल में WWE से इंजर्ड हो चुकी है। वो फिलहाल में इंजर्ड हो चुके हैं, ये नंबर्स बढ़ती जा रही, कई सारे WWE के ऐसे सुपरस्टार है जो कि फिलहाल में इंजर्ड भी हो चुके हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कैनी ओमेगा के बारे में, जिन्होंने द गेम ट्रिपल एच की अच्छी खासी तारीफ की है। कैनी ओमेगा कहता है कि द गेम ट्रिपल एच किस तरीके से WWE कंपनी को चला रहा है, उसी तरीके से हम भी इस AEW कंपनी को चला रहे हैं, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द कैनी ओमेगा WWE के अंदर भी आ सकते हैं। लेकिन रिसेंटली उनका सीन कुछ अलग है, क्योंकि वो अभी भी इंजर्ड है। अब देखते हैं फ्यूचर के अंदर वो WWE के अंदर आते हैं या फिर ऑल एलीट रेसलिंग के अंदर आते हैं, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट AEW के साथ बहुत ज़्यादा लंबा है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जॉन सीना के बारे में, तो जॉन सीना को 22 साल हो चुके हैं WWE के अंदर कंटिन्यू करते हुए, रेसलिंग करते हुए, लेकिन अभी उनका पार्ट टाइम का शेड्यूल चल रहा है। लेकिन इस पार्ट टाइम के शेड्यूल के बाद भी जॉन सीना साल में से एक बार तो भी आते हैं मैच रेसल करने के लिए। उनका रिकॉर्ड 22 साल से कंटिन्यू चल रहा है WWE के अंदर मैच रेसल करने का। अगर आप भी हो जॉन सीना के तगड़े वाले फैन तो सर के सारे लोग सब्सक्राइब ठोक दीजिए। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं डेना वाइट के बारे में, जो कि UFC के प्रेसिडेंट है। उन्होंने कंफर्म किया है कि मुझे कोई भी पर्सनली इशू नहीं है कि UFC का बंदा WWE के अंदर जाके फाइट रेसल करता है, यानी कि दोस्तों फ्यूचर के अंदर UFC के बंदे आके भी WWE के अंदर फाइट कर सकते हैं, और WWE के रेसलर भी जाके UFC के अंदर फाइट कर सकते हैं परफेक्ट तरीके से इज्जत के साथ। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं TLC मैच के बारे में, तो TLC के अंदर सबसे ज्यादा बार जीतने वाला रेसलर और कोई नहीं बल्कि रेटर सुपरस्टार है। टोटल 7 टाइम वो TLC मैचेस जीत चुके थे। क्या दोस्तों आपको ये फैक्ट पता था, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं WWE के लाइव इवेंट के बारे में, जिसके अंदर ये मैचेस थे। इस फोटो के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा लास्ट में मैच है कोडी रोज वर्सेस AJ स्टाइल का, जिसके अंदर फिर से पिन फॉल के सहारे AJ स्टाइल को हरा दिया है कोडी रोज ने। तो दोस्तों कोडी रोज का यानी कि AJ स्टाइल का कुछ भी नहीं हो सकता WWE के अंदर। मुझे लगता है कि उनको WWE कंपनी को छोड़कर ऑल एलीट रेसलिंग के अंदर जाना चाहिए, वहाँ पर ही उनकी बल्ले बल्ले हो सकती है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे क्योंकि उनकी एज 45 साल की हो चुकी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टिफनी के बारे में, WWE के अंदर कई सारे फैंस हैं जो कि टिफनी से अट्रैक्ट हो चुके हैं। उनको टिफनी काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है, और ये फैंस टिफनी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर टिफनी को फैंस पसंद करेंगे तो उनका फ्यूचर WWE के अंदर तो ब्राइट होना ही है। और उनसे भी ज़्यादा टॉप पर चल रही है लिव मॉर्गन, सिर्फ डॉम को ही उन्होंने अपने प्यार के अंदर नहीं फंसाया है, WWE फैंस को ही फंसा लिया है, और मर्चेंडाइज के ऊपर सब में टॉप पर जाके वो पहुँच चुकी है। लिव मॉर्गन नंबर 1 पर आती है, नंबर 2 पर आती है स्टेफनी, नंबर 3 पर आती है बेली, नंबर 4 पर आती है बेकी लिंच, और नंबर 5 पर आती है रिया रिपली, यानी कि टॉप पर जाकर पहुंच चुकी है लिव मॉर्गन, और उसके बाद उनको रिवॉर्ड भी मिलना ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द द गेम ट्रिपल एच उनके हाथों में गोल्ड थमवा सकते हैं। किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के अंदर कोडी रोज फाइनली बनने वाले हैं अनडिस्प्यूटेड यूनाइटेड स्टेट चैंपियन। और मैं आपको पहले बता दूं, कोडी रोज WWE के अंदर पहले इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को जीत चुके हैं, टैग टीम चैंपियनशिप को जीत चुके हैं, अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को उन्होंने जीत लिया है, और उनको बस एक कदम दूर है वो ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनने के लिए। यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप उनके हाथों में आने के बाद वो बन जाएंगे WWE के अंदर ग्रैंड स्लैम चैंपियन। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं रेम स्टूडियो के बारे में, तो रिसेंटली अपनी औरत के साथ बीच के ऊपर हनीमून मनाते हुए दिखाई दिए हैं रेम स्टूडियो, और इनके रिलेशनशिप को 28 साल पूरे हो चुके हैं, और मुझे लगता है कि डॉम की उम्र भी 28 या फिर 25 साल हो सकती है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिंदर महल के बारे में, तो WWE से फ्री एजेंट होने के बाद जिंदर महल कहां पर जाकर ज्वाइन होने वाले हैं, तो इंडिपेंडेंट सर्किट के अंदर जिंदर महल जाकर रेसलिंग करने वाले हैं, यानी कि किसी छोटे मोटे प्रमोशन के अंदर वो रेसलिंग करेंगे परफेक्ट तरीके से इज्जत के साथ, और अपनी कमाई शुरू करेंगे, और मुझे लगता है कि उसके बाद वो ऑल एलीट रेसलिंग या फिर किसी बड़े प्रमोशन के अंदर साइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोमन रेंस के बारे में, तो रोमन रेंस के पास एक ही टाइटल रेन के अंदर 442 मिलियन बच्चों ने जन्म लिया है। रोमन रेंस का टाइटल रेन चला था 4 सालों के अंदर। तो दोस्तों देख रहे हो रोमन रेंस की पावर, रोमन रेंस को इसलिए ट्रैवल चीफ रोमन रेंस कहा जाता है। तो नेक्स्ट एंड फाइनल जो है कोडी रोज से, तो कोडी रोज ने WWE के अंदर टोटल 4 5-star रेटिंग वाले मैचेस दे चुके हैं कोडी रोज अब तक, लेकिन रोमन रेंस ने अभी तक अपने करियर के अंदर पूरे करियर के अंदर एक भी 5-star रेटिंग वाला मैच नहीं दिया है, क्योंकि कोडी रोज का कैरेक्टर अलग है, रोमन रेंस का कैरेक्टर अलग है। रोमन रेंस को उनके कैरेक्टर की वजह से उनके फैंस पसंद करते हैं, ना कि उनकी रेसलिंग की वजह से, इसलिए रोमन रेंस को ट्रैवल चीफ द हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस कहा जाता है। अगर आप भी हो रोमन रेंस के तगड़े वाले फैन तो सारे के सारे लोग सब्सक्राइब ठोक दीजिए, क्योंकि जो कुछ भी है इसी चैनल पे है और कहीं नहीं।